सो हेलो गाइस, आज हम अपने नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाया जाए और कैसे अपनी गिग्स बनाई जाएं और जो है वो काम बाय किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं। तो हम फाइवर की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हमारे पास ऑप्शन आता है ज्वाइन का, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अकाउंट यहाँ पर, मैं इस एग्जांपल में आपको पहले अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, तो सिंपल है। सो गाइस, हमारा पहला स्टेप होगा कि हम एक सैम्पल जीमेल अकाउंट बनाएं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास एक ईमेल मौजूद है जिसके ऊपर हम ये काम अचीव करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें, आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली करना चाहें, बट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हम यहाँ पर एक हमारे पास सैम्पल ईमेल मौजूद है जिसके ऊपर हम ये बनाएंगे सिंपल बट ईजी 02@gmail.com, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ से एक यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम आपका यूनिक हो सकता है, जैसे आपका जो भी नाम है आप उस हिसाब से अपना यूज़र नाम बनाएं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ amjad@dev। सो ये जो हमारे पास amjad@dev आ रहा है ये ऑलरेडी टेकन नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है। और उसके बाद कोई भी पासवर्ड जो हम रखना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पासवर्ड यहाँ पर रख रहा हूँ इसका। तो आप लोग जो भी पासवर्ड रखना चाहें आप अपने केस में यहाँ पर वो पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 8 करेक्टर्स और लॉन्गर और कम्बाइन अपर एंड लोअर केस, तो आपको अपर केस और लोअर केस करेक्टर भी यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट में और एंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा जो है अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आप जीमेल पे जाके देखेंगे तो आपके पास जीमेल पर एक जो है वो ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। तो अगर आप जीमेल पे जाएंगे तो आपके पास एक ईमेल जो है वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी होगी कि आपने फाइवर का अकाउंट जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर आ चुका है कि हमने फाइवर का अकाउंट बना लिया है। लेकिन अब आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईमेल पर जाकर आपको यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। तो जब आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका अकाउंट जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। और अब आप जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं एडिट योर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ से जाके जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर जाके ऐड कर देंगे, ताकि जो आपका बायर है, जो आपको काम दे रहा है, ठीक है, जो आपसे गिग्स परचेस करेगा वो ताकि देख सके कि आपकी जो है वो स्किल्स क्या हैं और आपके पास क्या क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आपको आपने क्या क्या काम किया है। तो वो सारी आप यहाँ पर अपनी एडिट प्रोफाइल में मेंशन कर दें। सो हमारे पास ये आ चुका है, यहाँ से हम नेम दे देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ जो भी हम नाम दे देते हैं। ये ईमेल आ रहा है गो ऑनलाइन फॉर, यहाँ से आप अपना स्टेटस बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर आकर अकाउंट डीएक्टिवेशन अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास फेसबुक में ऑप्शन होता है। तो यहाँ से मैं सेव चेंजेस करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने अपना नाम वगैरह जो है वहाँ अपडेट कर दिया। उसके बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे सिक्योरिटी के हैं, नोटिफिकेशंस के हैं और आपके पास फ़ोन वेरिफिकेशन है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट सेलिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देगा बिकम अ सेलर, तो आप इस पर क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद आपको लाजमी देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कंप्लीशन रेट 10%। आपको अपनी जो है वो पहले प्रोफाइल को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डमी जो भी है कुछ ऐड कर देते हैं और प्रोफाइल पिक्चर अगर आप देना चाहें तो दे दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, जो भी आपकी स्किल्स हैं आप अपने स्किल्स को यहाँ डिस्क्राइब कर दें। एंड आई डेवलप अ वेरी गुड, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर दें, वेरी गुड वेबसाइट्स एंड आल्सो डू सम कंटेंट
कंटेंट राइटिंग, आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग ए ग्रेट लोगोस फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर फॉर बिजनेस, तो हम यहाँ पर एक 15 या 150 कैरेक्टर्स की लिखनी है मिनिमम, तो यहाँ से लिख दिया। उसके बाद आप लैंग्वेज ऐड कर दें, किस लैंग्वेज में आपके पास जो भी आपके पास आप इंटरप्रेट करेंगे तो उर्दू, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं आप यहाँ से हिंदी, आप यहाँ पर फ्लुएंट हैं तो फ्लुएंट आप उसको लेवल यहाँ पर डिफाइन करें, और उर्दू के बाद यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट करें, ठीक है, प्रॉपरली ऐड कर दें। इंग्लिश में अगर आप अपना लेवल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक से आप जाना चाहते हैं कि हम कन्वर्जेशनल पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपडेट करें। अपडेट करने के बाद ये आपको यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करने की प्रोफाइल पिक्चर भी ले लेते हैं फिलहाल, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने एक पिक्चर भी ले ली, अब ये हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो यहाँ से आप अपनी एक्सपर्टीज़ डिफाइन कर दें। मैं बोल देता हूँ कि हम प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है, ऐड न्यू, हम ग्राफिक डिज़ाइन भी करेंगे। तो यहाँ से मैंने जो मुझे स्किल्स थी वो मैंने डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद जैसे कि अगर आपके पास जो भी स्किल्स हैं, सपोज़ आपकी PHP में स्किल्स हैं, तो आप यहाँ पर PHP लिखें, ठीक है। तो यार आप PHP, MySQL, एक्सपीरियंस लेवल, इंटरमीडिएट, जो आपका यहाँ पर लेवल है आप उस तरह से यहाँ पर अपनी स्किल्स को एलोकेट करते जाएं। जैसे MySQL में आपकी स्किल्स हैं तो आप MySQL लिख दें, MySQLi, एक्सपीरियंस लेवल, इंटरमीडिएट। आपकी वर्डप्रेस में स्किल्स हैं तो आप यहाँ पर आके वर्डप्रेस को मेंशन कर दें, तो वर्डप्रेस, यहाँ देखें यहाँ पर WooCommerce का आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इंटरमीडिएट कर दें, ऐड कर दें। तो ये जितनी स्किल्स आपकी हैं वो आप यहाँ पर कर दें। HTML5 का ये ऑप्शन दे रहा है, HTML5 को कर दें आप, ठीक है, जो आपका लेवल है, ठीक है, आप वो रखें। वेब डेवलपमेंट में अगर आपको एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपर्ट जो आपका लेवल है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में जो आपकी एजुकेशन है आप यहाँ पर डिफ़ाइन करें। जैसे पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के रेसिडेंट हैं, यूनिवर्सिटी हम दे देते हैं म्यूट, ठीक है, जो भी टाइटल है, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ से जो भी आपकी बेसिक है जो वो आप यहाँ पर दे दें, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ऐड कर दें। और जो भी आप जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो मेंशन कर दें यहाँ पर, ऐड कर दें। कोई अवार्ड है आपके पास, सर्टिफिकेशन है, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। पर्सनल अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टफोलियो है, तो उसका लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि आप अगर अकाउंट्स के साथ, जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक्डइन अकाउंट के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपके पास आपको और भी दे रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल प्रेजेंस, जैसे आप ड्रिबल पे हैं या स्टेक ओवरफ्लो पे आप जो है आपका अकाउंट है, मेंटेन अकाउंट है, तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है अकाउंट सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड नंबर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर दें, वरना आप कंटिन्यू और क्रिएट करें। तो यहाँ पर देखें, परफेक्ट योर प्रोफाइल, कंग्रेट्स ऑन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, वी रिकमेंड यू एडिशनल डिटेल्स टू योर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप अपनी एडिशनल जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है जिससे आप काम लेंगे वो बेसिकली यहाँ पर देखता है कि आपकी प्रोफाइल मेंटेन है या नहीं है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से, क्योंकि हम इस डमी प्रोसेस में कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर कोई नंबर वगैरह ऐड नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी वेरीफाई कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्रिएट अ गिग की तरफ कि गिग कैसे बनाएंगे। तो देखें, गिग के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डेमो आ जाता है। अच्छा, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि हम जो गिग बना रहे हैं, आज हम गिग बनाएंगे कि हम किस तरह से PHP की वेब डेवलपमेंट की जो है ना सर्विसेज ऑफ़र करेंगे। तो इस जो भी हमारे पास ट्यूटोरियल, इसके अंदर हम एक गिग बनाएंगे जो होगी आपकी किसकी PHP से रिलेटेड, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं जाता हूँ पहले फाइवर पे, ठीक है, fiverr.com पे जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं।
अब देखें यहाँ पर ये जो शो हो रहा है आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर, ये सारी गिग्स आ रही हैं, ठीक है, आपके पास सारी गिग्स आ रही हैं। एक अच्छी गिग बनाने का तरीका ये है कि आप क्या कह रहे हैं, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग या टेक पे काम कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो इसकी जितनी भी अच्छी अच्छी गिग्स होंगी वो आपको स्टार्ट में दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है वेब डेवलपमेंट, आई विल कस्टमाइज, ये कुछ आपके पास अच्छी आ रही है, जैसे आई विल फिक्स योर वर्डप्रेस वगैरह यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें एक आपके पास आ रहा है PHP वेब डेवलपमेंट की, अब ये आ रहा है आई विल डू वेब एप्स विथ, ठीक है, तो हम इसकी गिग्स को देखते हैं थोड़ा सा और फिर समझते हैं। देखें इस बंदे ने ये गिग बनाई हुई है, देखें इस बंदे ने ये गिग बनाई हुई है और गिग में क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर ये दो इसने लोगो बनाए हुए हैं, बैनर्स बनाए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखें इसने तीन अपने जो है ना पैकेजेस डिस्क्राइब किए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो अब क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे और अब इसको कैसे बनाएंगे, और इसके बाद उसने यहाँ पर अबाउट दी गिग्स में भी मेंशन किया हुआ कि वो क्या क्या काम करके आपको देगा। तो हम भी गिग बनाते हैं और इस गिग में हम बोलते हैं वे आई विल तो ये लिखा हुआ आ रहा है, आई विल क्रिएट डायनामिक वेबसाइट विथ पी एच पी एंड माई SQL, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर फिर आपसे ये पूछा है किस कैटेगरी की है ना, तो हमारे पास ये जो कैटेगरी है वो बेसिकली वेब प्रोग्रामिंग में आती है, तो हमने बोला कि ये जो कैटेगरी है वो किस टाइप की है, आई विल क्रिएट डायनामिक, ये हमने कैची टाइटल देखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा टाइटल देते हैं, जितना अच्छा टाइटल देंगे, जितनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, जितने अच्छे आपके लोगो होंगे, उतनी अच्छा ही आपको रेस्पॉन्स मिलेगा फाइवर के ऊपर। तो आपने बोला आई विल क्रिएट डायनामिक वेबसाइट विथ PHP एंड MySQL, उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप सर्विस, तो सर्विस में आप क्या देना चाहते हैं, उसको वेब एप्लीकेशन देंगे, कस्टम वेबसाइट बना के देंगे, क्या करके देंगे, तो हम यहाँ पर कस्टम वेबसाइट बना कर देंगे। अब ये कस्टम वेबसाइट किस पे होगी, आपके पास PHP पे होगी, तो हमने यहाँ पे PHP को चेक लगा दिया, क्योंकि हमें ये भी डिफाइन करना होगा ना कि किस लैंग्वेज के ऊपर हम बना रहे हैं। एक्सपर्टीज़ हम यहाँ पर के हम तीन एरिया से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि एक्सपर्टीज़ हम क्या देंगे, PHP to HTML करके देंगे, हम उसको परफॉर्मेंस देंगे और साथ के साथ क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी देंगे। आप जो तीन एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है टैग्स। अब ये टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली ये टैग्स होते हैं कि कीवर्ड्स, यानी जब वो कीवर्ड्स अपीयर हों, जैसे आपने अपने टाइटल में लिखा है वेबसाइट विद PHP एंड MySQL, तो अब आप उससे रिलेटेड टैग्स क्रिएट करें ताकि जब आपके मतलब PHP का काम कोई सर्च करे, PHP की गिग्स को सर्च करे, तो आपकी गिग जो है वो भी उसमें अपेयर हो। तो यहाँ पर हम दे देते हैं PHP, ठीक है, यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और MySQL, ठीक है, PHP और वेब, ठीक है, वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट, चलो हम दे देते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है, वेब एप्लीकेशन, और लास्ट में MySQL है, यहाँ पर दे देते हैं वेब डिज़ाइन, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये हमें लेके जाएगा सेकंड पेज पर, ठीक है, सेकेंड पेज पे अब हमसे क्या मांगा जाएगा कि हम कौन कौन सी प्राइसेस। अब देखें मैंने आपको यहाँ पर एक गिग दिखाई थी, उसके अंदर कितने पैकेजेस बने हुए थे, तीन पैकेजेस, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर लेके जाता हूँ, एक दूसरी गिग भी दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इस गिग को फॉलो कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखें इस गिग के ऊपर इसने तीन पैकेजेस रखे हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पैकेज देना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर एक पैकेज देंगे, और वरना आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है तीन पैकेजेस। अगर आप मकसद के डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट ऑफर्स क्रिएट करना चाहते हैं एक ही गिग के अंदर, तो फिर आप ये थ्री पैकेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, वरना अगर आप सिर्फ एक ही पैकेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक ही पैकेज बनाकर
यहाँ पर उसका नेम दे देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि उसमें क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी टाइम उसका सिलेक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ़ पेजेस, कस्टमाइजेशन, जो जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी प्राइस क्या होगी वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो लेट सपोज़ हम यहाँ पर 3 पैकेजेस बना लेते हैं और इस गिग को थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको 3 पैकेजेस पे क्लिक कर देता हूँ और गॉट इट करते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ऐप बना के देंगे हम इसके अंदर। इसको कह देते हैं इंटरमीडिएट और इसको कह देते हैं प्रीमियम। प्रीमियम सही है। अब यहाँ पर इनकी डिटेल्स देते हैं कि आई विल क्रिएट 2 पेजेस विथ लॉगिन साइनअप, लॉगिन साइनअप, ठीक है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि हम बेसिक वाला जो हमारा पैकेज है, अगर वो बेसिक पैकेज को सिलेक्ट करता है तो उसके अंदर हम उसको 2 पेजेस बना के देंगे HTML के, और साथ के साथ लॉगिन और साइनअप की फंक्शनैलिटी भी ऐड करके देंगे। उसके बाद यहाँ से उसका डिलीवरी टाइम चेक कर देते हैं कि डिलीवरी टाइम सेट कर देते हैं कि 1 डे में डिलीवरी देंगे, कितने दिन में जो है वो हम ये काम जो है वो इनको करके देंगे। उसके बाद सिलेक्ट में आप जाकर इसको बताएंगे नंबर ऑफ पेजेस, तो हमने 2 पेजेस, और उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हम देंगे या नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा तो हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, इंक्लूड सोर्स कोड के हम सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेंगे, और रिवीजन कितनी देंगे। रिवीजन बेसिकली वो एरिया होता है कि अगर आपके पास क्लाइंट कोई मॉडिफिकेशन चाहता है तो वो आप उसको कितनी रिवीजन अप टू प्रोफाइल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बेसिक में उसको 0 रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा बेसिक पैकेज है ये आपके पास $5 का होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर हम बोल रहे हैं कि आई विल क्रिएट अ वेबसाइट विथ मिन मैक्स 5 पेजेस एंड एंड एन एडमिन पैनल, ठीक है। मैंने बोल दिया कि इसके अंदर अब हम क्या दे रहे हैं उसको कि हम एक वेबसाइट देंगे जिसके अंदर मैक्सिमम 5 पेजेस होंगे और साथ के साथ एक एडमिन पैनल भी हम क्रिएट कर दिए देंगे। तो डिलीवरी टाइम इसका दे देते हैं हम 4 डेज, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस में आप आकर हम बोल देते हैं 5, और इसके अंदर हम जो है इसको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन देंगे, सोर्स कोड देंगे, कंटेंट अपलोड मींस के जो भी कंटेंट अगर बायर हमें प्रोवाइड करेगा वो हम उसकी साइट पे अपलोड करके देंगे। अब इस पैकेज के अंदर हम जो है वो एक रिवीजन अलाउ कर देते हैं जस्ट टू आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमारे फर्स्ट और सेकंड जो पैकेज है उसमें क्या डिफरेंशिएट है, और ये काम जो है वो हम $20 में करके दे रहे होंगे। सिमिलरली ये जैसे एक बेसिक आइडिया है। अच्छा, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये प्रैक्टिकली मैं अपने डमी डेमो प्राइसेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं आप यही प्राइसेस ऐड करें, आपको जितनी प्राइसेस रखती हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस मेंटेन करेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रीमियम पैकेज की तरफ, जहाँ पर हम बोलेंगे आई विल क्रिएट अ फुली कस्टमाइजेबल वेबसाइट विथ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेबल, जितनी वो कस्टमाइज करेगा कस्टमाइजेबल वेबसाइट क्रिएट करके देंगे। डिलीवरी टाइम इस काम कर देते हैं, लेट सपोज 10 डेज कर देते हैं, क्योंकि कस्टम वेबसाइट होगी जिसके अंदर उसकी होंगी आपके पास डिटेल्स होंगी, और यहाँ पर मैक्सिमम हम बोल देते हैं कि हम मैक्सिमम जो है उसको पेजेस देंगे 10, ठीक है। और कंटेंट भी अपलोड करके देंगे, सोर्स कोड भी देंगे, और यहाँ से डिज़ाइन कस्टमाइजेशन भी देंगे। और अब ये जो रिविजन्स हैं यहाँ पर हम 2 रिविजन्स कर देते हैं, और यहाँ पर आकर हम इसकी प्राइस कर देते हैं कि ये हमारा प्रीमियम पैकेज है, तो प्रीमियम पैकेज में हम $150 यहाँ से चार्ज करेंगे। अब उसके बाद आपके पास आता है दूसरा पॉइंट, गिग एक्स्ट्रास। गिग एक्स्ट्रास में आप बताएंगे कि आप अगर आपसे जो बायर आपका है कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाह रहा है तो उसके आप क्या चार्जेस लेंगे। जैसे कि वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है, तो अब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी क्या है बेसिकली कि आपने यहाँ पर बताएं उसको कि ये जो काम है वो हम कितने डेज में करके दे रहे हैं, ये हम 1 डे में करके दे रहे हैं, ये 4 डेज में करके दे रहे हैं, और ये वाला काम जो है वो हम 10 डेज में दे रहे हैं। तो अगर वो इससे जल्दी चाहता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं हर गिग के हिसाब से, जैसे कि आप प्रीमियम में ये फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं कि 1 डे जल्दी हम करके देंगे और उसके हम
$10 एडिशनल चार्ज करेंगे। अगर आप कोई एडिशनल पेज मांगते हैं, यानी अगर एक कोई भी जैसे किसी भी गिग के अंदर आप एडिशनल पेज रिक्वायर करते हैं, तो हम एक एडिशनल पेज के $5 चार्जेस करेंगे और वो वन डे में आपको कंप्लीट करके देंगे। रिवीजन मांगता है, कंटेंट अपलोड, जो जो चीज़ें आप रखना चाहते हैं वो गिग एक्स्ट्रा में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे जो आपका यहाँ पर आपसे जो अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है वो है डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपकी गिग में बेसिकली आप क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर एक गिग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो इस गिग की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब इसके अंदर आपको क्या देना है, बेसिकली मैंने बोल रहा है कि यहाँ पर हैविंग प्रॉब्लम विद HTML CSS हम जो है आपके प्रोजेक्ट्स बना के देंगे, ठीक है, और ये फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें रखी हैं, टूल्स जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने MVC की बात नहीं की क्योंकि हम कोर PHP का कह रहे हैं, तो मैंने यहाँ से कोर PHP दे दिया और साथ में माई एम लिख दिया, और इससे पहले मैंने एक नोट दे दिया कि प्लीज़ डिस्कस रिक्वायरमेंट बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास फाइवर में जो है कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके बायर होते हैं वो कभी कभार डायरेक्टली ऑर्डर दे देते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली दे देता है और आपको फिर रिक्वायरमेंट में इश्यूज आता है तो फिर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी गिग में ये नोट ऊपर भी देते हैं और लास्ट में भी दे दें, ताकि आपका जब बायर यहाँ पर आए तो वो इस चीज़ को पढ़ ले और साथ के साथ उसको ये चीज़ पता हो कि पहले मुझे बायर से जो है वो कॉन्टेक्ट करना है, उसके बाद ही प्लेस करना है ऑर्डर। उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन एड्स करना चाहते हैं, जो कि आपके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, जो आपका बायर है वो देखना चाहिए, जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको गिग की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ, डू आई नीड रिक्वायरमेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यहाँ पर हम बोल देते हैं यस आई नीड रिक्वायरमेंट्स। सो मैंने एक डमी क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। आप भी यहाँ से मल्टीपल, जैसे यहाँ पर आपको फाइवर भी एग्जांपल प्रोवाइड कर सकता है, कैन यू प्रोवाइड अ ब्रिटिश एक्सेंट, ऑफ कोर्स आई लिव इन इंग्लैंड फॉर 3 ईयर, दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर के, जो आपको लगता है इस गिग के हवाले से, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो अगला ऑप्शन आपके पास अपीयर होगा वो रिक्वायरमेंट होगा कि आप उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर हम उससे चाहते हैं PhD रिक्वायर्ड है हमें, तो हमने बोल दिया PhD के डिज़ाइन की PhD हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अनदर रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम दे देते हैं अनदर रिक्वायरमेंट, हम बोल देते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमें, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हमने ऐड कर दी, इसको सबमिट सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा गैलरी का, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने जो भी गिग्स वगैरह हैं, गिग्स के अंदर अगर कोई आपने PDF फाइल डॉक्यूमेंट बनाई हुई है गिट के हवाले से, तो वो भी आप यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। कोई वीडियो अगर आपने बनाई हुई है प्रोमोशनल वीडियो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और गिग में आप फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई यूनिक अच्छी सी फ़ोटोज़ क्रिएट करें, ताकि जो आपका बायर है वो अट्रैक्ट हो आपकी गिग की तरफ। तो हम यहाँ पर एक डमी जो है ना वो बैनर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं विजुअल आपके पास एडोब फोटोशॉप की तरफ, तो न्यू, और मैं यहाँ पर 120 बाय, ठीक है, ओके कर लेते हैं, जस्ट इनकेस जल्दी से बनाने के लिए। मैं यहाँ पर, क्योंकि हम PHP की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं एक ग्रेडियंट यहाँ पर ले रहा हूँ और ग्रेडियंट में ये इफेक्ट दे रहा हूँ उसको। और इसके बाद अब यहाँ पर जाकर मैं कुछ जो है वो PNG फाइल्स निकाल लेता हूँ, PHP PNG। तो यहाँ पर जाते हैं इमेजेस में, तो ये PHP की हमें यहाँ पर मिल गई इमेजेस, तो ये PHP से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ से PHP MySQL की ये मिल रही है इमेज,
ठीक है, इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं। अच्छा ये PNG है तो इस वजह से ही हमारे पास सही रहेगा यहाँ पर। और इसको फिर हम जो है अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और इसको सेव करते हैं। और बैकग्राउंड पे चलते हैं, Ctrl D। अच्छा यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है ये प्लेस हो चुका है। तो इसको प्लेस करने के बाद मैं बोलता हूँ इसको मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है सेंटर में चाहिए। और यहाँ पर मैं जो है ना कुछ टैक्स क्रिएट कर देता हूँ कि हम जो है वो PHP MySQL का काम करके दे रहे हैं। तो वो टैक्स के लिए यहाँ पर आप टी में चले जाएँ और यहाँ पर जाके टैक्स क्रिएट कर दें। तो मैं टैक्स क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। तो टैक्स का जो आपके पास यहाँ पर इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ब्लैक की जगह हम वाइट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट यहाँ पर तो रेस्पॉन्सिव, कि हम जो जो है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल सही आ जाए। से रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे रहे हैं, इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अलावा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक करते हैं काम के, इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 24, ये छोटा 18 कर देते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और इसके अलावा मैं बोल देता हूँ यहाँ पर PHP MySQL वेब डेवलपमेंट, ठीक है वो भी करके देते हैं हम। और इसके अलावा हम जो है वो कंटेंट राइटिंग भी कर देते हैं, कंटेंट अपलोड, ठीक है। और कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन कस्टमाइज कस्टमाइज वेबसाइट भी बिल्ड करके देते हैं। तो ये जो चार पांच फंक्शनैलिटी है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि ये कम है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जाकर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक और है ना इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ PHP वेब डेवलपमेंट, और इसकी PNG ले लेते हैं एक। और यहाँ पर देखो ये कुछ आपके पास एक अच्छी सी आ रही है ये वाली इमेज, इसको भी हम जो है ना सेव करके सेव इमेज करते हैं। और यहाँ पर सेव करके इसको ओपन कर लेते हैं अपने। तो ये यहाँ पर आ गई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये इमेज जो है ना वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इस वाली इमेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाली इमेज को यहाँ लेके जाते हैं, PHP लोगो वाली इमेज को हम यहाँ ले जाते हैं। अच्छा ये PHP लोगो वाली इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये इसको हम यहाँ से इसकी लेयर को डिलीट कर देते हैं, कैंसिल डिलीट, तो ऐसे डिलीट का बटन दबा, नहीं ये डिलीट हो चुकी है, ये कुछ बेहतर लग रही है, ठीक है। अच्छा ग्रेडियंट भी थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ग्रेडियंट पे आके इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो हम ये ले लेते हैं फिलहाल, तो इसको ये दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा शेप दे रहा है ये वाला कुछ अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रही है एक इमेज, किसकी इमेज है ये इमेज आ रही है आपकी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl T करेंगे तो हमारे पास ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और लोगो ले लेते हैं PHP का, जो अगर अच्छा सा आ रहा है। और इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पर जाके हम तो अब देखें ये थोड़ी सी मैंने गिग को यहाँ पर मैनेज कर लिया और इसकी एक अच्छी सी PSD बना ली है। PSD बनाने के बाद हम दूसरा काम ये करेंगे कि इसको जो है वो सेव करवाएंगे एज अ JPG फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर आकर इसको बोलेंगे हम
एक्सपोर्ट एज, ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट एड्स के बाद यहाँ से आप जो है इसको जेपीजी और जिस फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करना चाहते हैं सेव करके और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक, तो ये आपके पास ऑप्शन दे देगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फाइवर के नाम से, तो ये मैंने सेव कर ली। अब ये इमेज जो है वो मेरे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, तो अब हम जो है वो अपनी गिग के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर चले आते हैं और अब ब्राउज़ करके गिग पे ये फाइल अपलोड कर देते हैं। तो फाइवर के नाम से हमने बनाई थी, तो ये आ रही फाइवर के नाम से हमारी जेपीजी फाइल और ये हमने अपलोड कर दी है। और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो अगला ऑप्शन जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पब्लिश गेस्ट। तो वेरीफाई नाउ यहाँ पर क्या दे रहा है, बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर देयर इज़ वन लास्ट थिंग वी नीड टू डू, द सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट इज इम्पॉर्टेंट अस देयरफॉर वी रिक्वायर ऑल सेलर टू वेरीफाई। तो आपको फोन नंबर जो है फर्स्ट गिग के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको ये पब्लिश हो जाती है या नहीं होती। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और ठीक है यहाँ से आप अपना अकाउंट अपना जो है फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो एक्टिवेट कर लें। तो मैं यहाँ से करके फिर आपको, तो फाइनली जो है वो मैंने अपना अकाउंट जो है वो नंबर जो है वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर आपके पास वेरीफिकेशन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, आप नेक्स्ट करेंगे। तो आपको अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ व्हाट इज़ नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, हमने बोल दिया सर फिनी, जो भी आपको रखना है आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में रख दें। तो अब यहाँ पर दे रहा है ऑलमोस्ट डियर, अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे पब्लिश गिग, तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। और आगे पब्लिश जब कि आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपके पास लिंक्डइन पेज है, आपके पास ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप उसको शेयर करना चाहें, और शेयर करने के बाद आप लोगों को दिखा सकते हैं। उसके बाद आप इसको डन कर दें, डन करने के बाद ये जो आपकी गिग है वो यहाँ पर गिग अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी गिग जो है वो अपीयर हो रही है। अब अगर आपके पास अब ये आपके पास इशू आता है कि अब हम जो है वो काम कैसे लें, यानी काम जो है वो हमें किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर आके आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपके पास आप इसके डैशबोर्ड पर आ जाएँ, ठीक है। डैशबोर्ड पर आकर आपके पास यहाँ पर हम किस पर हैं अभी, सेलिंग पर। तो सेलिंग में आके बायर रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, तो आपकी गिग से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, यानी जो लोग आपसे काम लेना चाहते हैं, जो आपको काम प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो अपनी जो पोस्टिंग है, जो अपनी रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पोस्ट करते हैं, तो वो आपके पास कुछ देर बाद आपकी गिग से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। और देन क्या कर सकेंगे आप उसके साथ अपने गिग्स के साथ यहाँ पर बेसिकली उधर आपके पास आप जो है वो गिग्स पे बिडिंग कर सकेंगे। तो आज का ये लेक्चर था हमारे पास, तो हमने देखा कि हम फाइवर पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद हम अपनी गिग कैसे पोस्ट कर सकते हैं और किस तरह से फाइवर पे काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जो है वो काम ले चुके होंगे, जब आप कुछ अर्न कर चुके होंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलिंग के अंदर अर्निंग्स का ऑप्शन आता है, तो जितनी भी आपकी अर्निंग्स होगी वो यहाँ पर अपीयर होंगी। और आपके पास तीन जो है वो विड्रॉ के मेथड मिलते हैं, एक पेपाल अकाउंट, फाइवर रेवेन्यू कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र। तो जो आपको फिजिबल लगता है आप उसके थ्रू जो है वो अपनी जो अर्निंग्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर क्लियर होगा सबको, एक बहुत ही एक टॉपिक था जिसके अंदर लोग जो थे वो बहुत जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती थी उनको कि हम कैसे अकाउंट बनाएं और कैसे स्टार्ट करें। तो फुली आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।